दोस्तों, अगर आप भी चेतन सकारिया को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में दो सीरीज खेली जाने वाली हैं, जिसके लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच में पहला T20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर श्रीलंका? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली रोमांचक सीरीज के लिए तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सभी खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दोस्तों, अब सभी दर्शकों की नजरें इसी सीरीज पर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में ये दौरा 13 जुलाई से 3 वनडे मैचों की सीरीज के साथ शुरू होगा। वहीं इसके बाद 21 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। और आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में इस मैच का सीधा प्रसारण 7 बजे से किया जाना था, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से समय में परिवर्तन हुआ और अब ये मुकाबला आपको 8 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, मौसम की बात करें तो मैदान में मौसम काफी साफ रहने वाला है, जबकि शाम को टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के बारे में, तो आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी बेहद ही जोरों शोरों से इस सीरीज के लिए मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम कुछ दिनों पहले ही मुंबई में रुकी थी, जहां खिलाड़ियों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म करते हुए श्रीलंका के लिए रवाना हुए और अब भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि BCCI ने इस टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट होना है, जिसके लिए BCCI अभी से युवा खिलाड़ियों को तैयार कर रही है। इस दौरे पर कोई भी बड़ा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, तो वहीं इस दौरे के लिए कप्तानी शिखर धवन के कंधों पर डाली गई है। आपको बता दें कि श्रीलंका पहुंचते ही सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, तो जहां हार्दिक पांड्या लंबे लंबे छक्के मारते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं देवदत्त पडिक्कल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार भी काफी खतरनाक गेंद फेंकते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच एक युवा खिलाड़ी ने प्रैक्टिस में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर रोहित व कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेतन सकारिया की, जिन्होंने IPL में अपनी गेंदबाजी से बेहद ही अच्छा नाम कमाया और अब उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है। अब वो इस मौके को भुनाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रैक्टिस में उन्होंने हार्दिक पांड्या को ऐसी गेंद डाली जिस पर वो चकमा खा गए और बोल्ड हो गए थे। वहीं इंटर स्क्वाड मैच में चेतन सकारिया ने बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 4 विकेट चटकाए और मात्र 11 रन देकर। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चेतन सकारिया इस बार श्रीलंका की टीम के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, युवा खिलाड़ियों की ये टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और इनकी मजबूती को देखकर ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका की टीम बुरी तरह से हारने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार ये सीरीज श्रीलंका और भारत में से कौन सी टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।